हे गाइस मैं चिराग एक और वीडियो के साथ अकाउंट्स विद चिराग चैनल पर आपका वेलकम करता हूं जहां आप कॉन्सेप्ट को रटते नहीं कॉन्सेप्ट को समझते हैं यह है अपनी गेन की सेवन्थ वीडियो इससे पहले मैं आपको गेन की टोटल सिक्स वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं आपने उनके कॉन्सेप्ट समझ लिए होंगे इसी तरीके से आज की वीडियो में चार केसेज कवर होंगे और अगली वीडियोज में इस टाइप से दो तीन केसेस चार केसेज कवर होते जाएंगे किन किन्नी पर्टिकुलर केसेस में मैंने एग्जाम्पल भी कवर किए हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे ढंग से समझ में आते रहेंगे पर आपको पता है कि देखिए एग्जाम में जब भी एम सी जाते हैं तो थियोरटिकल पार्टी ज़्यादा आता है तो उस पर ही आपको मेन ध्यान देना है ठीक है अब देखिए यहाँ बोल रहा है कंपटीशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रीशिएबल एसेट सेक्शन 50 तो लास्ट वीडियो में जब एंड पार्ट में मैंने आपको बताया था यही पार्ट आपको बताया था तो मैंने आपको ये बोला था कि पी जी वी पी प्रॉफिट एंड गेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में मैंने आपको एग्जाम्पल कवर करवाया हुआ इसका कि डेप्रशियन कैसे निकलेगा और किन केसेस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉसेस का पार्ट आएगा ब्लॉक में सेट होती है या नहीं होती उस पर डिपेंड करता है तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं पूरा पार्ट आपको समझ में आ जाएगा तो इसलिए यहाँ पर मैंने थियोटिकल पार्ट ही बताया अब देखिए डेप्रिशिये वाला क्या है तो आपने वहाँ पर देखा था कि बिल्डिंग फर्नीचर क्योंकि एक बिल्डिंग का ब्लॉक होगा बिल्डिंग में तीन रेटें होंगी ठीक है फर्नीचर की एक रेट थी प्लांट एंड मशीनरी की फाइव रेट्स थी और इनटेंजिबल असेट्स का एक ब्लॉक होगा जिसकी रेट थी ट्वेंटी फाइव परसेंट तो ये जनरली आपने पीजीबीपी वाले पार्ट में कवर किया चाहे आप देख सकते हैं ये मैं पीडीएफ ओपन कर चुका हूँ जो पीजीबीपी की है तो बिल्डिंग का पार्ट आ गया फर्नीचर आ गया प्लांट एंड मशीनरी की आ गई रेट्स ठीक जो कि सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग डेप्रेशन लग जाता है डब्ल्यू डी मैथड से उसे हम बोलते हैं डेप्रिशियबल असट इसके अलावा बाकी सारी नॉन डेप्रिशियेबल होती है चलिए देखिए अगर मैं बोलता हूँ कि बिल्डिंग मैं अपने क्या करता हूँ घर के लिए यूज़ करता हूँ यानी रहने के पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ तो आपको पता है कि उस पर डेप्रिशिएशन नहीं लगेगा तो वो नॉन डेप्रिशियेबल अट है क्योंकि बिल्डिंग बिजनेस में यूज़ हो ही नहीं रही मेरे घर के लिए यूज हो रही है रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए हो रही है लेकिन अगर वही एम्प्लॉय के लिए यूज़ होती तो इसका मतलब क्या हो गया वो बिजनेस में काम आ रही है तो उस पर डेप्रिसिएशन का पार्ट अप्लाई होगा और वो डेप्रिशियेबल एसेट कहलाएगी अब बिल्डिंग का जो भी आपका ब्लॉक है कि फाइव में आ रहा है टेन में आ रहा है फोर्टी में आ रहा है उस अकॉर्डिंग लग जाएगा ठीक है तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर उस कैपिटल असेट्स को उस डेप्रिसियेबल असेट को ट्रांसफर किया और उस पर कैपिटल गेन हो रहा है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है ठीक है यार रखना कैपिटल असेट चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हो यानी चाहे 36 मंथ से ज़्यादा के लिए होल्ड की हुई हो चाहे 36 मंथ या उससे कम के लिए होल्ड की हो यानी चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट हो उस पर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होता है इसका मतलब एक तो हम बोलेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस पर नहीं आएगा इस पर शॉर्ट टर्म ही आएगा दूसरा इस पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट अप्लाई नहीं होता तो जो मैंने इंडेक्सेशन का पार्ट आपको बताया था तो बाकी सारी एसेट पे होगा इन पे नहीं होगा तो ये बोल रहा है कैपिटल एसेट विच फॉर्म से पार्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच डेप्रिशिएशन हैज़ बीन अलाउड अंडर सेक्शन थर्टी टू सेक्शन वन पॉइंट टू एज पर डब्ल्यू डी मैथड वो कहलाएगी डेप्रिशिएबल असेट सबसे पहले कह रहा है एग्जाम्पल ए रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बींग नॉट यूज फॉर बिजनेस पर्पज ऑन विच नो डेप्रिशिएज अलाउड अंडर इनकम टैक्स एक्ट शैल भी ट्रीटेड एज ए नॉन डेप्रिशियबल असेट क्योंकि वो किसके लिए वो रेजिडेंशियल पर्पज के लिए वो बिजनेस के लिए यूज नहीं हो रही लेकिन क्या बोल रहा है वेर एस इफ द सेम हाउस इज यूज फॉर द रेजिडेंस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस तो बिजनेस के जो भी एम्प्लॉय उनके रहने के लिए काम आ रही है तो वो बिजनेस के पर्पज के लिए इसलिए बोल रहा है एंड डेप्रिशिएशन हैज़ बिन क्लेम्ड अंडर आई टी एक्ट इनकम टैक्स एक्ट देन इट शैल बी ट्रीटेड एस डेप्रिशियबल असेट फिर बोल रहा है कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ डेप्रिशियेबल एसेट शैल ऑलवेज बी ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कि जब भी ट्रांसफर करोगे उससे जो भी कैपिटल गेन होगा वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा ठीक है इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्लेम नहीं किया जा सकता ये बोल रहा है जब भी कैपिटल गेन को कंप्यूट करोगे यानी एसेट को ट्रांसफर करने पर जो भी कैपिटल गेन को कंप्यूट करोगे वो सारा पार्ट हमने डिटेल में पीजीबीपी में कवर कर लिया था तो आप रेफर कर सकते हो डेप्रिशिएशन का पार्ट जो कि अंडर सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग है मैंने आपको बताई दिया अब देखिए नोट में क्या बोल रहा है चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जो गेन होगा वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा पढ़ सकते हैं एक बार ठीक है तो ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करना चलो एक और पार्ट आपको बताता हूँ कि ब्लॉक में असट है या नहीं है उस पर डिपेंड करता है आपको बताया कि अगर ब्लॉक में असट नहीं है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है क्योंकि आपको बताया कि अगर सेल वैल्यू ज़्यादा और कॉस्ट कम है तो सीधी सी बात है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेल वैल्यू कम है कॉस्ट ज़्यादा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का पार्ट होगा जो कि मैंने आपको बताया पी जी में आप देख चुके हैं वहाँ पर जाकर एक बार एग्जाम्पल ज़रूर कवर कर लेना ठीक है अगर ब्लॉक में असट नहीं है लेकिन अगर ब्लॉक में असट होती है तो किस पे डिपेंड करता है आपको पता है कि कॉस्ट अगर बच गई यानी क्लोजिंग डब्ल्यू डी बच गई तो उस बेसिस पे हम क्या बोलेंगे कि यार डेपरेशन का पार्ट लगेगा क्योंकि ब्लॉक में असट है लेकिन अगर मैंने क्या बोला कि सेल वैल्यू ज़्यादा हो गई और कॉस्ट कम है तो क्लोजिंग डब्ल्यू तो आएगी नहीं सीधी सी बात है क्योंकि सेल वैल्यू ज्यादा है तो सेल में से अगर कॉस्ट लेस करोगे तो कैपिटल गेन का पार्टी तो आएगा और वो कैपिटल गेन क्या कहलाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा यहां पर यही बोल रखा है ठीक है सिंपल सा पार्ट आपका कवर हो गया अब देखिए अगला केस क्या है ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी बाय डिपॉजिटरी सेक्शन 45 फाइव सेक्शन टू ए तो देखिए जनरली आपको पता है कि जब भी आप शेयर ख़रीदते बेचते हो तो आपको एक डी अकाउंट खुलवाना पड़ता है डी का मतलब क्या होगा देखो डी मेट्रलाइजेशन बोलते हैं तो आपको पता है कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अमूर्तिकरण या मैं आपको सिंपल हिंदी में बोलता हूँ कि कागज रहित बनाना ठीक है एक होता है फिजिकल फॉर्म और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म तो डी मेट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो आपको पता है कि आप जब भी शेयर खरीदते हो बेचते हो तो कोई अकाउंट आपको ओपन करवाना पड़ता है जैसे आपने देखा होगा आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन आ गए हैं अप स्टॉक्स जीरो फिफ्टी पैसा समथिंग इस तरीके से रैली गेयर ऐसे अलग अलग क्या कर रही है कंपनीज़ अपने ऐप बना रही है और उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो आप आराम से करते हो पहले क्या करते हैं जनरली बैंक के थ्रू खोल लेते थे तो आई सी आई सी बैंक ये भी करते हैं थ्री इन वन अकाउंट का ऑफर देता है जनरली आपको पता है वो उसमें डी मेट अकाउंट भी आप खुलवा सकते हो तो आप शेयर खरीदते बेचते हो तो बोल रहा है कि जब आप बेच रहे हो तो उसके इसमें कॉस्ट कैसे ली जाएगी फ़ीफो मेथड से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्योंकि डी मेट फॉम है अगर आपके पास फिजिकल फॉर्म में होते तो क्या होता ब्रोकर से आप क्या है जब भी शेयर खरीदते तो आपको एक क्या मिलता कागज़ मिलता तो आपको पता है कि जितने शेयर खरीदोगे उतने आपको कागज़ मिलेंगे तो वो आपको फाइल में संभाल के रखने पड़ते थे लेकिन डी में आपको वो करने की जरूरत नहीं है लेकिन जैसे डी फॉर्म में आ गया तो उस केस में क्या हो गया आपको फी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो पहले आया वो पहले जाएगा उस बेसिस पे क्या करना पड़ेगा कॉस्ट को वैल्यू करना बढ़ेगा क्योंकि जैसे आपके पास सौ शेयर हैं फिर आपने दो सौ और ख़रीदे तीन सौ और ख़रीदे तो आपको पता है कि उसमें से आपने क्या कर दिए थ्री फिफ्टी बेच दिए ऐसे तो आपको पता है कि पहले हंड्रेड में से जाएंगे यानी कॉस्ट जो काउंट होगी फिर टू हंड्रेड में से काउंट होगी और बाकी जो बचे फिफ्टी क्योंकि आपको पता है कि आपने जो बेचे वो कितने बेचे थ्री फिफ्टी तो बाकी जो बेचे हैं फिफ्टी वो किस में से जाएंगे वो इसमें से जाएंगे तो बाकी जो बच गए वो तो आपके कितने बच गए टू फिफ्टी बच गए तो वो तो क्लोजिंग बैलेंस हो गया लेकिन हम क्या बोल रहे हैं जितने हमने बेचे हैं उसकी कॉस्ट क्या है वो किसके बेसिस पे जा रही है फीफो के बेसिस पे किसके बेसिस पे फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो यहाँ पे यही बोल रखा है एस में है सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ फिजिकल स्क्रिप्ट और इन डी मेटेलाइज फॉर्म द सिक्योरिटीज़ हेल्ड इन डी मेटीरलाइज फॉर्म शैल बी डील्ड एज पर सेक्शन फोर्टी फाइव सब सेक्शन टू एंड फॉर कंपिटिशन ऑफ कैपिटल गेन वेरियस टर्म्स टू बी इंटरप्रटेड आर एज अंडर अब देखिए यहाँ पे यही बोल रखा है कि कॉस्ट ऑफ एक्विशन क्या होगी कि कॉस्ट ऑफ एक्एशन एंड द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ़ एनी सिक्योरिटी शैल बी डिटर्मिन ऑन द बेसिस ऑफ़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैथड ये आ गया कि कॉस्ट ऑफ एक्शन और कब से लेके कब तक आपने इसको होल्ड किया है सेल्स कंसिडेशन जब आपने बेचा होगा तो जितनी वैल्यू मिली वही नॉर्मल इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको पता है कि मिल जाएगा जो पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे हो जाएगा एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र अगर कोई आप एक्सपेंडिचर पे कर रहे हो सेल करते समय ठीक है जो भी आपने ब्रोकरेज ब्रोकरेज अगर पे की होगी तो वो लेस कर सकते हो वो ट्रांसफ़र के एक्सपेंसिस हो जाएंगे अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है इन दिस कनेक्शन सी बी डी टी वाइड सर्कुलर नंबर सेवन सिक्सटी एट डेटेड ट्वेंटी फोर सिक्स नाइनटीन नाइनटी एट हैज क्लैरिफाइड दैट इन केस ऑफ असैसी हुए सिक्योरिटीज पार्टली इन फिजिकल फॉर्म एंड पार्टली इन डी मेटरल फॉर्म फीफो मेथड विल अप्लाई ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ डी मेटरलाइज होल्डिंग तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है उसके लिए ही फीफो लगेगा मैंने आपको ये बताया क्योंकि फिजिकल फॉर्म में तो आपके पास है ही तो जनरली वो कागज़ के फॉर्म में थे तो उसकी जनरली डेट पता होगी ये बोल रहा है लेकिन अगर आप खरीदोगे डी मेटेलाइज फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो फीफो मेथड अप्लाई होगा दिस इज बिकॉज इन केस ऑफ सेल ऑफ डी मेटेलाइज सिक्योरिटीज द सिक्योरिटी हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म आर नॉट कंसिडर्ड एज दे कंटिन्यू टू रिमेन इन द पोजिशन ऑफ इन्वेस्टर एंड आर आइडेंटिफाइबल सेपरेटली तो उसको सेपरेटली आइडेंटिफाई किया जा सकता है इसलिए फीफो मेथड के लिए ये फिजिकल फॉर्म अप्लाई नहीं होगा डी मेटर फॉर्म में जो जो भी होंगे शेयर्स वो अप्लाई होंगे एंड असेसी में हैव मोर देन वन अकाउंट आपके अलग अलग अकाउंट हो सकते हैं जैसे मैं बोल सकता हूँ मेरा अप स्टॉक्स में भी है मेरा तो एक में ही है लेकिन मैंने आज तक ट्रांजेक्शन नहीं करा क्योंकि इतनी ज़्यादा सेविंग नहीं हो पाती लेकिन देखिए अगर आपके पास है तो आपने अब स्टॉक्स में भी खोल रखा होगा जीरो दवा में भी खोल रखा होगा फिफ्टी पैसा या जो भी अलग अलग है वहाँ पे आप ओपन कर सकते हो तो उस केस में क्या बोल रहा है जो फी टेक्निक है वो अलग अलग अकाउंट पे अलग अलग अप्लाई होगी कैराए एंड एस एस सी में हैव मोर देन वन अकाउंट इन केस ऑफ डिपोजिटरी सिस्टम एंड इन सच केस फी टेक्निक टेक्निकेल बी अप्लाइड फॉर ईच अकाउंट सेपरेटली फॉर डिसाइडिंग फ़ीफो टेक्निक द डेट ऑफ एंट्री इन डी मेट अकाउंट इज सिग्निफिकेंट एंड द डेट ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटी इज़ इरेलीवेंट तो इसका मतलब क्या है सिक्योरिटी कब खरीदी वो इेलीवेंट है मेन क्या है कि जो आपका डी मेट अकाउंट खुला हुआ है उसमें डेट यानी एंट्री कब हुई है वो पार्ट तो वही पार्ट आपका फ़ीफो के लिए और कॉस्ट निकालने के लिए जरूरी है ठीक अब देखिए आपके दो पार्ट और हैं जो आज की वीडियो में कवर हो रहे हैं इसके साथ मैंने एक एग्जांपल भी कवर किया जिससे आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल प्रॉपर ये बोल रहा है कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट पार्टनर टू फर्म ये ओ नहीं है ये टू है तो बाय पार्टनर टू फर्म या बाय मेंबर टू एओपी और बी देखिए मैंने क्या बोला पार्टनर द्वारा जो कैपिटल असेट फर्म को दी गई है या मेंबर द्वारा एओपी या बी को जो कैपिटल असेट दी गई है एस कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन जब नया पार्टनर आता है तो वो कैपिटल लेके आता है अब वो कैपिटल में क्या दे रहा है यानी कहने का मतलब वो कैपिटल असेट दे रहा है जैसे अगर मैं बोलूँ कि देखो आप एंट्री क्या करते हो अगर आप पार्टनर हो और फर्म में आए तो फर्म क्या करेगी एंट्री कैश टू कैपिटल क्योंकि आप कैश ले कर आए लेकिन कैश की जगह आप बिल्डिंग फर्नीचर जो भी लेके आ रहे हो यानी जो भी आप कैपिटल असट लेके आ रहे हो तो उस केस में कैपिटल गेन कैसे अप्लाई होता है क्योंकि आप कैपिटल असेट लेके आ रहे हो तो आप बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी ये सब कुछ लेके आए होंगे ठीक है तो उस केस में क्या फ़ायदा होगा किस तरीके से कैपिटल गेन का पार्ट निकलेगा वो इसमें दे रखा है अब देखिए इसमें यही बोल रहा है वेयर ए पार्टनर और मेंबर वेदर एग्जिस्टिंग और न्यू ट्रांसफर्स एनी ऑफ इट्स कैपिटल असेट टू फर्म ए ओ पी और बी ऑई ऑफ विच ही इज अम्बर बाई वे ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन एक तरीके से पार्टनर क्या है फर्म का मैंबर बन गया या जो भी मैंबर ए ओ पी बी ऑ के बन गए ये बोल रहे हैं द सेम शेल बी ट्रीटेड एस ट्रांसफर इस केस में टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा तो देखिए सेल्स कंसिडेशन क्या बोल रहा है जो बुक्स ऑफ अकाउंट में उस अमाउंट की रिकॉर्डिंग की गई है मतलब जो भी फर्नीचर बिल्डिंग को रिकॉर्ड किया गया है, तो किस वैल्यू पर रिकॉर्ड किया गया है, वो सेल्स कंसिडेशन आ जाएगा इसका मतलब फेयर फेयर मार्केट वैल्यू को आप कंसीडर नहीं करोगे जब भी पार्टनर फर्म को देता है या जब भी मेंबर एओपी बीआई को कोई भी कैपिटल असेट ट्रांसफ़र करता है तो उस केस में क्या हो गया जो सेल कंसीडरेशन है वो कैसे देखा जाएगा अमाउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म और ए और बी ओ एस वैल्यू ऑफ सच असेट तो वो सेल कंसिडरेशन होगा कॉस्ट ऑफ एक्विशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र क्या होगा एज यूजल ठीक टैक्सेबल क्या होगा इन द ईयर ऑफ सच ट्रांसफ़र इंडेक्सेशन बेनिफिट एज यूजल जैसे नॉर्मल मिलता है अब देखिए ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा एग्जाम्पल के थ्रू फिर आराम से देखिए क्या मेरा टाइम भी नहीं जाएगा क्योंकि मैं आपको पहले नॉर्मल बताता है एग्जाम्पल करके इससे अच्छा आप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ या क्वेश्चन के फॉर्म में पूरा देखोगे तो ढंग से समझ में आएगा तो यहाँ पर यही बोल रहा है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच असेट इज़ रेलिवेंट टू डिसाइड सेल कंसिडरेशन तो इसका मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में जो अमाउंट रिकॉर्ड किया गया वही सेल कंसिडरेशन होगा चाहे आपको क्वेश्चन में फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये बोल रहा है

एंड फर्दर ब्रॉड ज्वेलरी ऑफ विच फेयर मार्केट वैल्यू इज रुपीज़ टू लैक ऑन टू अप्रैल नाइनटीन हावअर सच असेट वॉज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट रुपीज़ वन फिफ्टी अब देखिए ये लेना पड़ेगा आपको ठीक अब देखिए फर्नीचर तो इसलिए नहीं लोगे क्योंकि वो पर्सनल इफेक्ट है वो घर के लिए यूज़ हो रहा था तो यहाँ पर बोल रहा है अर्लीअर यूज इन इन हिज होम तो आपको पता है कि मैंने कैपिटल असेट में बताया था जो मूवेबल प्रॉपर्टी है जो आपको पता है कि आपके पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है तो जब भी आप ट्रांसफ़र करते हो आपने क्या करा फर्म को दिया तो जैसे ही ट्रांसफ़र किया तो कैपिटल गेन का पार्ट आएगा लेकिन ये तो पर्सनल इफेक्ट वाली है तो इस पर कैपिटल गेन का पार्ट अप्लाई नहीं होगा लेकिन एक्सेप्शन में आपने ये भी देखा था कि उसमें एक्सक्लूड किया था ज्वेलरी का पार्ट इसका मतलब ज्वेलरी पे कैपिटल गेन का पार्ट आता है और ज्वेलरी का तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी कवर करवाया हुआ है तो आपको बताया कि ज्वेलरी पर फेयर मार्केट वैल्यू नहीं आएगी जो एसेट फर्म ने बुक्स में रिकॉर्ड की हुई है वन लैख फिफ्टी वो आएगी तो वन लैख फिफ्टी सेल कंसडेशन हो जाएगा डी ने जिसने क्या करा था फॉर्म को दी थी ये एसेट तो डी ने इसको ख़रीदा था ज्वेलरी को 45,000 में तो ये कॉस्ट हो जाएगी लेकिन इस पर इंडेक्सेशन का पार्ट अप्लाई होगा तो 7 जुलाई 2001 को और 2001-2002 का जो इंडेक्सेशन होता है वो कितना होता है 100 होता है आपको पता है तो उसके अकॉर्डिंग अप्लाई हो जाएगा 45,000 अपॉन 100 इनटू ट्रांसफ़र कब की है तो जनरली वो देख लेंगे ट्रांसफर कब किया नया पार्टनर कब बना 31 मार्च 19 को तो आपको बताइए कि उस अकॉर्डिंग आ जाएगा कह रहा है कंप्यूट कैपिटल गेन इन द हैंड ऑफ मिस्टर डी अब देखिए आंसर में ये बोल रहा है सॉल्यूशन में इन द गिवन केस मिस्टर डी ब्रॉड टू असेट वो दो असेट लेके आया फॉर्म में फर्नीचर जो कि पर्सनल फैक्ट है इसलिए वो कैपिटल असेट नहीं बनेगा इसलिए वो कैपिटल गेन के लिए लाइबल नहीं होगा हाँ जब फॉर्म के पास फर्नीचर आ गया अब जब फॉर्म डिजॉल्व हो जाएगी क्या हो जाएगी फर्म डिजॉल्व हो जाएगी या जैसे कोई पार्टनर रिटायर हो गया डेथ हो गई और फर्म ने वो फर्नीचर दे दिया पार्टनर को या फर्म डिज़ोल्व हो गई और फर्म ने कैपिटल से ट्रांसफ़र कर दी तो वो फर्म के लिए कैपिटल गेन के फॉर्म में आएगी लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं पार्टनर की बात कर रहे हैं और पार्टनर ने ट्रांसफ़र किया है तो पार्टनर का कैपिटल गेन निकाल रहे हैं मिस्टर डी का निकाल रहे हैं तो उस केस में फर्नीचर पर्सनल इफेक्ट है जो कि नहीं आता आपको होता है टी कार फर्नीचर कपड़े जो भी हैं वो पर्सनल इफेक्ट से रिलेटेड है एक बार चाहे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ एक मिनट रुकीये ये रहा देखिए एक्सेप्शन था जब मैंने आपको कैपिटल एसेट का पार्ट बताया था फॉलोइंग आर नॉट कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड जो कि बिजनेस या प्रोफेशन में है क्योंकि उस पर क्या लगेगा आपका पी का पार्ट अप्लाई होगा ये बोल रहा है फिर नोट में आपको बता दिया था कि सिक्योरिटी असेट्स जो भी एफ आई एफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर हेल्प करते हैं कैपिटल असेट के फॉर्म में चाहे वो स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में भी हो यानी वो कैपिटल असेट के फॉर्म में आएगी पर्सनल इफेक्ट में क्या बोल दिया कोई भी मोहईर प्रॉपर्टी जो पर्सनल परपज़ के लिए यूज़ की जा रही है अब देखिए बट एक्सक्लूड द फॉलोइंग इसका मतलब क्या हो गया इन पे कैपिटल गेन का पार्ट अप्लाई होता है तो ज्वेलरी पे होगा लेकिन फर्नीचर पर नहीं होगा क्योंकि फर्नीचर मूवेबल है जो पर्सनल पर्पज़ के लिए और इनमें नहीं आ रही इनमें नहीं, इन नहीं आ रही इसका मतलब वो कैपिटल सेट नहीं है ये जनरली आपके कैपिटल सेट के पार्ट में है ठीक है तो चाहे आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि पर्सनल इफेक्ट का मतलब क्या था कपड़े फर्नीचर कार साइकिल स्कूटर जो कि एसएससी पर्सनल पर्पज़ के लिए या जो भी उसके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर है वो पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं इसलिए मैंने यहां पे फर्नीचर नहीं लिया तो जब भी आप सेल्स का पार्ट देख रहे हो तो मैंने देखिए मैंने ज्वेलरी का पार्ट दिया है। जो कि बुक्स में 150 है। खरीदा था तो उसने कब खरीदा था उसने खरीदा था सेवन जुलाई टू थाउजेंड वन को तो फोर्टी फाइव थाउजेंड अपॉन हंड्रेड ये था ना फिर इनटू क्या करोगे देखो टू एटी नाइन क्या करोगे फोर्टी फाइव थाउजेंड अपॉन हंड्रेड इंटू टू एटी नाइन अब टू एटी नाइन क्यों मुझे आपको इंडेक्स बताना पड़ेगा एक बार मैं आपको इंडेक्स बता देता हूँ रुकिए तो देखिए ये मैं आ चुका हूँ इंडेक्सेशन के पार्ट की तरफ तो ये कैपिटल गेन की फर्स्ट पीडीएफ है उसमें जाके आप चेक कर सकते हो देखो नाइनटीन ट्वेंटी टू एट्टी नाइन अब आप बोलोगे सर आपने तो थर्टी फर्स्ट मार्च नाइनटीन बोला था तो उस हिसाब से तो एटीन नाइनटीन आएगा देखिए थर्टी फर्स्ट मार्च नाइनटीन को वो एडमिट हुआ है लेकिन उसके बाद क्या है कि वो इमीडिएटली तो क्या लेके आया था फर्नीचर लेकिन जो ज्वेलरी लेके आया था वो दो अप्रैल को लाया था तो एक बार आप ढंग से देख सकते हो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा कह रहा है एंड फर्दर ब्रॉड ज्वेलरी ऑफ विच फेयर मार्केट वैल्यूज़ टू लैक ऑन टू अप्रैल नाइनटीन तो शुरू में इमीडिएटली थर्टी फर्स्ट मार नाइनटीन को तो क्या लेके आया फर्नीचर लेकिन हम फर्नीचर तो ले ही नहीं रहे क्योंकि वो पर्सनल इफेक्ट के फॉर्म में तो इसलिए उसकी कॉस्ट का पार्ट तो आएगा ही नहीं क्योंकि उसकी सेल वैल्यू भी नहीं आई तो वैसे ही आपका फर्दर ब्रॉड ज्वेलरी ज्वेलरी लेके आया तो उससे रिलेटेड पार्ट आई जाएगा ठीक है दो अप्रैल उन्नीस को तो इसका मतलब नाइनटीन ट्वेंटी का आपका इंडेक्सेशन का पार्ट लग जाएगा तो कैसे लगेगा फोर्टी फाइव थाउजेंड अपॉन हंड्रेड इंटू टू एटी नाइन ये दे रखा है इंटू टू एटी नाइन अपॉन हंड्रेड एक ही बात है तो ये निकल के आ गया इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कुछ दे नहीं रखी तो यहाँ पर आप वन फिफ्टी में से वन थर्टी ये लेस करोगे तो वन नाइन नाइन फाइव जीरो क्या आ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्यों आएगा क्योंकि आपको पता है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग भी देखनी है तो पीरियड ऑफ होल्डिंग आपकी जो लगेगी वो एज़ यूजल लगेगी आप देख सकते हो कि हमने कब से देखिए सात जुलाई दो से लेकर कब ट्रांसफ़र किया था दो अप्रैल उन्नीस को तो एक तरीके से वो थर्टी सिक्स मंथ से ज़्यादा पीरियड के लिए ही हो गई है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के फॉर्म में हो गई और उस पर इंडेक्सेशन का पार्ट इसलिए अप्लाई हुआ अब देखिए लास्ट आपका पार्ट है आज के वीडियो में ये बोल रहा है कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अब उल्टा हो रहा है अब फॉर्म क्या कर रही है पार्टनर को दे रही है या ए ओ पी या बीवाई दे रही है किसको मेंबर को बाय वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इट्स डिजोल्यूशन जब फॉर्म का डिजोल्यूशन होता है फॉर्म क्या हो गई खत्म हो गई फॉर्म का समापन हो गया या जो ए ओ पी बीवाई क्या हो गई डिजोल्व हो गई उस केस में जो भी कैपिटल एसेट वो अपने पार्टनर्स को या मेंबर्स को दे रही है तो उस केस में आपको पता है कि कौन दे रही है फॉर्म दे रही है तो अब जो कैपिटल गेन का पार्ट अप्लाई होगा वो किसके लिए अप्लाई होगा फॉर्म के लिए ए ओ पी या बी ओ के लिए, लिए अप्लाई होगा तो यहाँ पे ये बोल रहा है ऑन डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म ओपी बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स कैपिटल असेट अमॉन्ग पार्टनर्स और मेंबर्स शेल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ सच ट्रांसफर शेल बी एज अंडर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स कंस्टिड्यूशन में क्या बोल रहा है फेयर मार्केट वैल्यू अब देखिए आप उससे कंफ्यूज मत होना पिछले वाले पार्ट से पिछले वाले पार्ट में क्या था कि पार्टनर आया यहाँ बोल सकते हैं मेंबर एओ या बीवाई में आया है तो वो कैपिटल लेके आया यहाँ पे क्या है कि फॉर्म ए ओपी डिजॉल्व हो रही है चाहे डिजॉल्व नहीं भी हो अगर रिटायरमेंट होता है पार्टनर का डेथ होती है तब भी अप्लाई हो जाएगा अभी मैं आपको बता दूंगा ठीक है तो आपको पता है कि जब भी कैपिटल असट्स किसने ट्रांसफर किए फॉर्म ने ट्रांसफ़र किए पार्टनर को क्योंकि फॉर्म का डिजोल्यूशन हो गया यहाँ पे ये बोल रखा है तो उस केस में जो सेल्स कंसिडेशन फॉर्म के लिए होगा वो क्या होगा फेयर मार्केट वैल्यू होगा एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफ़र लेकिन जब पार्टनर फॉर्म में आता है या फॉर्म में क्या करता है कैपिटल लेके आता है और कैपिटल असेट्स के फॉर्म में लेके आता है तो तब जो बुक्स में रिकॉर्ड की गई है वो देखी जाती है यहाँ पे तो फॉर्म का डिजोल्यूशन हो रहा है तो इसका मतलब फॉर्म ने ट्रांसफ़र किया तो फॉर्म के लिए कैपिटल गेन देख रहे हैं तो उस केस में फॉर्म की जो सेल वैल्यू है वो क्या होगी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफ़र अब देखिए फॉर्म ने तो किसी भी वैल्यू पर ट्रांसफर किया हो जैसे अगर बुक्स में बिल्डिंग दे रखी है ट्वेंटी लैख की और पार्टनर को दे दिया एटीन लैख में क्योंकि एग्रीड प्राइस क्या डिसाइड हुई थी एटीन लाख तो 18 वो एटीन लैक डिसाइड हुए वो एग्रीड एग्रीड प्राइस है वो फेयर मार्केट वैल्यू थोड़ी है फेयर मार्केट वैल्यू बिल्डिंग की तो मार्केट में थर्टी लैक की है तो वो 30 वो थर्टी ही लेनी पड़ेगी तो यहाँ पे यही बोल रहा है एग्रीड वैल्यू ऑफ सच असेट इज़ इरेलीवेंट टू डिसाइड सेल कंसीडरेशन तो ये आपको देखने की जरूरत नहीं है हाँ बस ये 18 लाख जो पार्टनर को मिला ये पार्टनर की कॉस्ट कहलाएगी तो यहाँ पे ये बोल रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विशन ऑफ सच एसेट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर अभी हम किसकी बात कर रहे हैं जो कैपिटल गेन निकाल रहे हैं वो फॉर्म के लिए निकाल रहे हैं लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहा है कि अगर पार्टनर के हैंड में जो भी एसेट आएगी तो जो भी एग्रीड प्राइस तय हुई थी फॉर्म के और पार्टनर के बीच में या मेंबर और ए और वी के बीच में तो यहाँ पे बोल रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विशन ऑफ सच असेट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर और मैंबर शैल बी टेकन एज द एग्रीड वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर तो ट्रांसफर की डेट पर जो भी एग्रीड वैल्यू थी वो पार्टनर या मेंबर के लिए कॉस्ट कहलाएगी लेकिन उस केस में यानी फॉर्म के केस में सेल कंसिडेशन में उसको नहीं लिया जाएगा उस केस में फेयर मार्केट वैल्यू को ही लिया जाएगा कॉस्ट ऑफ एक्विशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर एंड इंडेक्सेशन एज यूजल इसका मतलब फार्म ने बिल्डिंग कब खरीदी थी फर्नीचर जो भी कैपिटल असेट है प्लांट एंड मशीनरी जो भी है वो कब खरीदी थी तो उस हिसाब से इंडेक्सेशन का पार्ट भी नॉर्मल अप्लाई हो जाएगा टैक्सेबल कब होगी इन द ईयर ऑफ सच ट्रांसफर जब ट्रांसफर हुआ है अब देखिए एग्रीड वैल्यू मैंने आपको बता ही दिया पार्टनर के हैंड में कॉस्ट कितनी आएगी वो भी मैंने आपको बता दिया अब बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन डिजोल्यूशन अगर फर्म का स्टॉक है जैसे मैं बोल सकता हूँ कि हम पार्टनर थे दो या तीन पार्टनर हमारा काम था कपड़ों का तो लास्ट में जो भी बचा वो स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में क्या कर दिया ट्रांसफ़र कर दिया तो यहाँ पे क्या बोल रहा है उससे पीजीबीपी की इनकम माना जाएगा ये बोल रहा है प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन डिजोल्यूशन शेल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पी पी नॉर्मल अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि जरूरी थोड़ी है डिजोल्यूशन का केस ही हो पार्टनर रिटायर भी हो सकता है दहद भी हो सकता है तो ये बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन अदरवाइज देन ऑन डिजोल्यूशन चाहे डिजोल्यूशन नहीं हुआ हो लेकिन उसके अलावा भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है तब भी वो सेक्शन 45 फाइव सब सेक्शन फोर के अकॉर्डिंग ही आएगा क्योंकि वहाँ पे दे रखा है जब भी सेक्शन पढ़ोगे तो उसमें क्या दे रखा है और अदरवाइज तो देखिए बोल रहा है any profits or gain arising from the transfer of a capital asset by way of distribution of capital asset on dissolution of firm or otherwise shall be chargeable to tax as the income of the firm it has been held that expression otherwise would cover any possible situation of transfer of capital asset by firm to the partner तो इसका मतलब क्या है कोई भी अदर सिचुएशन हो सकती है जिसमें फर्म अपनी कैपिटल असेट को पार्टनर को ट्रांसफर कर सकता है जरूरी नहीं कि वो डिजोल्यूशन की सिचुएशन हो क्योंकि उसमें अदरवाइज भी दे रखा है सेक्शन में जब अदरवाइज दे रखा है तो इसका मतलब क्या बोल रहा है देर फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट बाय फर्म ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या डेथ ऑफ पार्टनर उसके नॉमिनी को जो भी है लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको मिल रही है तो वो क्या होगी कैपिटल गेन के लिए लाइबल होगी और फर्म के हैंड में जो कैपिटल गेन का पार्ट है तो फेयर मार्केट वैल्यू सेल कंसिडेशन आएगी माइनस कॉस्ट जो भी इंडेक्सेशन का पार्ट है वो सारा अप्लाई होगा है, किसके हैंड में फॉर्म के हैंड में ठीक है अब अगली वीडियो में कवर करेंगे कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्वेशन आज की वीडियो में कवर नहीं कर सकता क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा पार्ट है डिटेल में देखिए इतना सारा पार्ट है इसके बाद आएगा अपना कैपिटल गेन ऑन जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट इसका क्वेश्चन मैंने कवर नहीं करा मेरे हिसाब से तो जैसे जैसे केसेस कवर होते जाएंगे आपके आगे आने वाली छः से सात वीडियो में या समथिंग सात से आठ वीडियो में ये सारा कैपिटल गेन का पार्ट आपका कवर हो जाएगा तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी जो भी कॉन्सेप्ट है जो भी एग्जाम्पल मैंने बीच बीच में कवर कराए हैं देखिए सबके तो कवर कराना पॉसिबल नहीं है लेकिन जहाँ तक हो सकेगा जहाँ मुझे लगेगा वहाँ आपको मैं एग्जाम्पल जरूर कवर कराऊंगा ठीक है यहाँ पे कैपिल में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपका एग्जामेशन से रिलेटेड है तो वो ज़रूर देख लेना क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा उसके होते हैं तो जैसे ही जब एग्जामेशन का पार्ट कवर होगा एक वीडियो में तो आप वो बिल्कुल प्रॉपर ढंग से पढ़ना मैंने टेबल के फॉर्म में कवर कराया जिससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी वीडियो देखने के लिए थैंक यू